दिल्ली के वजीरपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने लोगों को होली की बधाई दी और अपने अनुभवों के आधार पर सपने बेचने वालों की हकीकत को सामने रखा। अब सबसे पहले तो मेरी ओर से, परिवार की ओर से सभी यहाँ जो उपस्थित हैं उनको होली की शुभकामनाएं। मैं आपको अपनी व्यक्तिगत कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि रविशंकर जी ने बता ही दिया कि मैं काफी कुछ कमाता था जब मैं वकील था, तो बैंक बैलेंस भी अच्छा खासा था। तो एक लड़की सिटी बैंक से मेरे पास आई, 21-22 साल की लड़की थी, और बोली के साथ मैंने सुना क्योंकि मेरा अकाउंट सिटी बैंक में था, तो आपके पास काफी कुछ पैसा है, तो आप मुझे 25 करोड़ रुपया दे दीजिए, मैं उसका 10 करोड़ बना दूंगी। मैंने कहा यार कौन नहीं चाहता कि 25 का 10 ना बने, सब चाहते हैं कि नौकरियां पक्की हो, सब चाहते हैं कि पानी फ्री हो, सब चाहते हैं कि 50% बिजली भी कटौती हुई हो, सब चाहते हैं कि माल का ना हो जाए। तो मैं भी चाहता था कि 25 करोड़ का 10 करोड़ बने, ठीक है। तो मैंने सोचा नहीं नहीं ये काम नहीं करता, मैं स्टॉक मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं करता, मुझे ये काम नहीं करना। लेकिन वो फिर अगले हफ्ते फिर आ गए, फिर उसने प्रेशर किया मुझे, जैसे आपके पास कुछ लोग आते थे हर हफ्ते, फिर आ गए, फिर मैंने इनकार कर दी, तो मेरे पीछे ही पड़ गए। एक महीना मेरे पीछे पड़ के एक महीने के बाद मैंने कहा चल यार ले लो तुम 25 करोड़, जैसे आपने वोट दे दिया 25 करोड़ उसने ले लिया, ना 10 करोड़ बिना ना मेरा 25 करोड़ वापस आया। ये असली कहानी है, लेकिन मैंने उस लड़की को कभी दोषी नहीं ठहराया, दोषी था तो मैं था कि मैंने उस पर विश्वास किया। बैठ जाओ। उस बिचारी का तो उस बिचारी ने मुझे एक सपना बेच दिया कि 25 करोड़ दोगे तो 10 करोड़ बनेगा। तो सपने बेचने वाले आपकी जिंदगी में अक्सर आते हैं, और अगर आप सपना बिना सोच समझ के खरीदोगे तो गलती सपना बेचने वाले की नहीं है, गलती आपकी है कि आपने सपना। कपिल सिब्बल ने इस मिलन समारोह में लोगों को अपने मतों को सोच समझकर प्रयोग करने की सलाह दी। मूल बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जब आपको मत देना है वो मत बहुत कीमती चीज है, और उस क्योंकि क्यों कीमती है, क्योंकि आप अपना भविष्य किसी के सुपुर्द कर रहे हैं कि मैंने अपना मत आपको दिया, तुम सरकार चलाओ और मेरे लिए कुछ करो, मतलब कि अपनी जिंदगी आपने उसके हाथ दे दी, ये बिना सोचे समझे कि वो कैसे आपकी जिंदगी चलाएगा उसको मालूम नहीं। तो अगर देश ऐसे लोगों के हाथों में आ जाएगा जिनको किसी चीज का अनुभव नहीं है तो देश चलेगा कैसे। इस मिलन समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और कपिल सिब्बल की बातों से सहमति जताई।